लखीमपुर खीरी पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जलियांवाला बाग से की घटना की तुलना, कहा आंदोलनकारियों को कुचलती है सरकार। बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम का पुतला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो समाजवादी पदाधिकारी, भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। आगरा में बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा की कार में लगी आग, घर के बाहर खड़ी थी कार, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। आज चित्रकूट के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी की सास को देंगे श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सियासत की आग में जल रहा है यूपी। जी हां, लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा ने आज पूरे यूपी के साथ ही पूरे देश में हलचल मचा दी है। किसानों की मौत ने जहां एक और किसानों के गुस्से को भड़का दिया है, वहीं राजनेता भी इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं राजनेता किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं तो कहीं सरकार की भी विपक्षी पार्टियों की किसी भी तरह से राजनीति करने से रोकने के लिए सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कल लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बाद से आज पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लखनऊ में तो अभी हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी में भी हालात खराब हैं। साथ ही सबसे ज्यादा हालात लखनऊ में खराब है, वो इसलिए क्योंकि तमाम बड़े राजनेता वहां से लखीमपुर खीरी का रुख करने के लिए तैयार हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से कल लखीमपुर में ये इतना बवाल हुआ और आज भी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, अभी हालात लखीमपुर में कैसे हैं? जी, आपको बता दें, रविवार को किसान समेत लगभग 8 लोगों की मौत के बाद पूरे जिला अति संवेदनशील की स्थिति में आ गया। तो वही पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। दूर दराज से पूरे प्रदेश से किसान जो है लखीमपुर खीरी की दुनिया में पहुंचने लगा और जगह जगह पुलिस चुपचाप चप्पे पर तैनात थी, तो वहीं आरएएस की भी व्यवस्था कर दी गई थी। तो वहां सीएम एडीजी रंजन कुमार और आईजी लक्ष्मी सिंह इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे। और देखने वाली बात यह है कि लगातार किसानों से बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं किसानों और प्रशासन में सहमति भी बनी नजर आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 गौरव, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हालात तो नाजुक बने ही हुए हैं, इसीलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज स्कूल कॉलेजेस भी लखीमपुर में बंद हैं। ऐसे में कई तमाम राजनेता, बड़े विपक्षी पार्टियां वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक कौन कौन बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, आपको बता दें कि राकेश टिकैत स्वयं मामले को देख रहे थे और किसानों के अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के सिकुनिया में पहुंचे हुए थे। और कई तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं और बसपा के नेता जो हैं वहां पर मौके पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं कुछ सुबह जो मीडिया कर्मी आए हुए थे और जो मौके पर पहुंच रहे थे, उनको जो है अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। जी जी बिल्कुल गौरव, और कहीं ना कहीं देखिए इस पूरी घटना को लेकर अब लखीमपुर खीरी से कोई भी तस्वीर या फिर कोई भी वीडियो बाहर ना जाए, इसको लेकर ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन वहां पर ताजे हालात जो है वो अभी कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हर आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, क्योंकि पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें अब तक हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया जा चुका है, शिवपाल सिंह यादव को भी हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें, प्रियंका गांधी को कल रात ही हिरासत में लिया गया था, वो कल रात ही लखीमपुर खीरी जाना चाह रही थी और
पीड़ित परिवार और किसानों से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको पहले ही सीतापुर पे ही रोक लिया गया, वहां उनको हिरासत में ले लिया गया। साथ ही आज लखनऊ में काफी हलचल देखी जा रही है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है और सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों का समर्थन कर रही हैं, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश भी इस पर हो रही है। आपको बता दें कि हालांकि किसान संगठनों और प्रशासन के बीच जो बातचीत चल रही थी आज सुबह से ही वो अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में 45-45 लाख मृतक के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें जो इस पूरी घटना में जितने लोग घायल हुए हैं उन सभी को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि ऐसे में अब आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच इस पूरे मामले की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि किसान एक तरफ राकेश टिकैत जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार किसानों का नहीं होने दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि यूपी के तमाम जिलों में आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और लगातार हम भी सुबह से आपको हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज नजर आ रही है। लखनऊ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, अखिलेश यादव सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में वहां पर भी काफी बवाल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि लखनऊ में थाने में भी पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अब जो मुद्दा है इसको विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे मुद्दे से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आने वाले कुछ ही महीने में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर सभी विपक्ष जो है पूरी तरह एकजुट हो गया है और ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, ताजा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? पारुल, देखिए लखनऊ की स्थिति जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी देखने को मिल रही है क्योंकि जगह जगह पे कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के हो या सपा के हो आपस में अभी यहाँ पे इको गार्डन पुलिस लाइन है वहाँ पे लोगों को लाया गया था, लेकिन हाथापाई इतनी हुई है कि पुलिस की वर्दी फट गई है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ भिड़ जाते हैं, ऐसे में बीच में अखिलेश यादव को खुद आना पड़ता है और उन्होंने समझा बुझा के उन दोनों को अलग किया है। तो कहा जा सकता है परुल जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखीमपुर का जो मामला है वो किसी और दिशा में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो लगातार नियम उल्लंघन जो है उनको तोड़ते हुए जरूर नजर आ रही, बैरिकेडिंग को कभी धक्का मारते हुए नजर आ रही है, कभी उग्र नजर आ रही, चाहे कार्यकर्ता बहाना कोई भी हो लेकिन पार्टी की आड़ में वो पूरी तरीके से योगी सरकार को छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। पारुल, यूपी समेत कई जिले ऐसे हैं, काफी बहराइच में सूचनाएं मिल रही है वहां पे भी दो किसानों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं वो लगातार हर जिलों में बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी लखनऊ से बड़ी खबर यही आ रही थी कि किसानों के लेकर प्रशासन के बीच में बातचीत हुई है, यानी कि आपसी सहमति बनी है जिसमें ये कहा गया है कि जो परिवार है उनको 45-45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और वहीं जो लोग घायल हुए हैं उन लोग 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि लखीमपुर जो बवाल है सामने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो जो किसान जिनकी डेथ हुई है उनके अंतिम संस्कार को लेकर अभी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है और लखीमपुर की जो स्थिति है वो जैसे के तैसे ही बनी हुई है और लखनऊ की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल रूबी, और देखिए कहीं ना कहीं मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लगातार मुख्यमंत्री खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष भी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि वो अपने एक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजेंगी लखीमपुर के लिए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब तक कौन कौन सी पार्टी के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं?
पारुल देखिए, सारे विपक्ष इसी कवायद में है कि एक बार किसी तरीके से लखीमपुर का जो बॉर्डर है वो वहां तक पहुंच जाए, उन परिवारों से मिल सके। हालांकि अभी कोई भी विपक्ष का नेता उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, यानी कि फोर्स इतनी ज्यादा छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं कि उन तक पहुंचा ना जा सके। तो वही रही बात किसान आंदोलन, जो किसान भी साथी में इस आंदोलन को उतर चुके हैं, और जो वहाँ के खासतौर से जो यूपी की तरफ जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन सभी जगहों को सील कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ धारा 144 लगा दी गई है, जिसके वजह से अब वहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश इसी बात की थी, अखिलेश यादव भी सुबह 7 बजे से इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से रास्ते को पकड़ो जो लखीमपुर की तरफ जाता है, और वहीं शिवपाल यादव भी अपने घर के पीछे के रास्ते से निकलते हैं कि किसी तरीके से लखीमपुर पहुंचा जा सके। प्रियंका गांधी भी रात में कोशिश करी थी, लेकिन उनको रात में ही पीएसी ग्राउंड में गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि इन परिवारों से विपक्ष का कोई भी एक भी नेता मिल सका हो। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं देखिए, ठीक एक साल पहले की बात कर ली जाए तो हाथरस का कांड जब हुआ था उसके बाद भी इसी तरह की तस्वीर आई थी कि तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हर एक मुद्दा, कहीं किसान की जान जा रही है, कहीं किसी के घर का चिराग बुझ रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को सिर्फ उस पूरी घटना को मुद्दा बनाने की कोशिश वो करते हैं, और इसीलिए इस बार भी यही किया जा रहा है। और देखिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब पहुंच रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि अभी मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर जितनी राजनीति कर ली जाए उतनी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पारुल, ठीक कहा, विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम बिल्कुल कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं गोरखपुर में जो हत्या हुई थी, इस मसले को भी लेकर विपक्ष बिल्कुल पूरी एक टांग से खड़ा हो चुका था। हर एक बंदा यही चाह रहा था, हर एक पार्टी का आला कमान यही चाह रहा था कि परिवार के साथ बैठा जाए, परिवार के साथ मिला जाए और परिवार के साथ बातचीत की जाए। अब सिर्फ यहाँ पे लखीमपुर ही मुद्दा नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश के ऐसे कोई भी मुद्दे निकल के आते हैं उनमें विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से आसीने चढ़ा के बिल्कुल तैयार इसी बात को लेकर हो जाए है कि विपक्ष को घेरने का मौका मिला है, और ऐसे में बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए। अब लखीमपुर को लेकर रातों रात जिस तरीके से हलचल तेज होती है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या ये कह सकते हैं बीएसपी ही क्यों ना हो, ऐसे में बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है सरकार को घेरने के लिए। लगातार रात से ही लड़ाई शुरू हो चुकी है, रात से ही जो रास्ते थे वो पूरी तरीके से बंद करने शुरू हो चुके थे, और सुबह होते होते अंजाम इस तरीके से पहुंचता है कि आगजनी को गाड़ी के हवाले कर दी जाती है, और उसके बाद कार्यकर्ता आपस में पुलिस के मुठभेड़ करने लगते हैं। तो कहा जा सकता है पारुल, विपक्ष जो है वो मौके की तलाश में थी, और कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा ये मौका जरूर मिला है जिसको वो बुराने की पूरी तरीके से कवायद में टूट चुकी है। जी चलिए, ठीक है रूबी, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर लखनऊ में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि तमाम बड़े विपक्षी नेता वहां से लखीमपुर खीरी जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए वहां पर भी बवाल सबसे ज्यादा मचा हुआ है। इसके साथ ही पंजाब में भी अभी स्थिति ऐसी है, उधर नवजोत सिंह सिद्धू धरना प्रदर्शन दे रहे थे लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, और इन सब के बीच में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, तो किसी भी तरह विपक्षी पार्टियों को सरकार राजनीति करने से रोकने के लिए सख्ती बरतती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आने लगा है। यहां लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर लखीमपुर खीरी जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। यहां प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस हिंसा में अब तक किस किस की जान गई? रमन कश्यप स्थानीय पत्रकार, दलजीत सिंह बहराइच से किसान, गुरबिंदर सिंह बहराइच से किसान, लवप्रीत सिंह चौखरा फार्म मजगई से किसान,
छत्र सिंह किसान, शुभम मिश्र बीजेपी नेता, हरिओम मिश्र अजय मिश्रा का ड्राइवर, श्याम सुंदर बीजेपी कार्यकर्ता। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। ये केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया। उधर मंत्री अजय मिश्र के ड्राइवर की तहरीर पर तिकुनिया थाने में ही अज्ञात किसानों पर हत्या, जानलेवा हमला, बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उधर लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि जब तक मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उधर घटना स्थल पर किसान जुटने में लगे हुए हैं। बता दें किसानों की संख्या 2000 के करीब हो चुकी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दंगा नियंत्रण की 3 गाड़ियां मंगा दी हैं। उधर रविवार रात को मंत्री अजय मिश्र ने कहा था कि घटना स्थल पर उनका बेटा भी मौजूद नहीं था। प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुसे कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके काफिले पर की एक गाड़ी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। हिंसा के बाद लखीमपुर के तिकुनिया में 3 कंपनी PSC, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ ग्रामीण और लखीमपुर की फोर्स को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर करीब 1000 जवान मौके पर मुस्तैद हैं और लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार तक के लिए जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो लखीमपुर खीरी में जो कुछ हो रहा है, ये सब देख रहे हैं और सारी तस्वीरें हर किसी के सामने हैं, किस तरह से लखीमपुर खीरी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक घेरा जा रहा है और ऐसे में इस पर सियासत किस तरह से की जा रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेता वहां पर लगातार पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये आगरा की तस्वीर है जहाँ पर पूर्व जिला महामंत्री की गाड़ी में आग लगाई गई और ऐसे में आपको बता दें कि खीरी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सभी देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में पूरा यूपी सियासत की आग में चल रहा है। तमाम विपक्षी नेता हिरासत में लिए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठे थे। 20 किलोमीटर के लखीमपुर खीरी में दायरे में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी झूठी खबर ना फैले, कोई भी ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो ना फैले। इसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल आज पूरी तरह से बंद किए गए हैं, वहीं कॉलेजेस भी बंद हैं। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया था सीतापुर में, वहाँ गेस्ट हाउस में वो किस तरह से झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी सुबह से काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कौन कौन लोग हैं जिनकी जान गई है। रमन कश्यप किसान है, साथ ही दलजीत सिंह किसान है जिनकी इस पूरे मामले में जान गई है। घटना में गुरविंदर सिंह बहराइच से किसान है जिनकी जान गई है। वहीं लवप्रीत सिंह चौखड़ा फार्म मजगई से किसान है जिनकी जान गई है। ऐसे में छत्र सिंह किसान जिनकी इस पूरी घटना में जान गई है। वहीं शुभम मिश्र बीजेपी नेता है, हरि ओम मिश्र अजय मिश्र के ड्राइवर जिनकी भी जान गई है, साथ ही श्याम सुंदर भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनकी इस पूरी घटना में जान गई है। अब तक 9 लोगों की इस पूरे बवाल में जान जा चुकी है और ऐसे में
अब लखनऊ में भी हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। सुबह से ही लखनऊ में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। हालांकि देखिए लखीमपुर खीरी की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहां पर ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है ना, और ना ही वहां पर इंटरनेट चालू है, इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद है। तो वहां पर क्या कुछ हो रहा है, हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं वहां पर? चलिए किसान नेता सवित मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद। सवित जी, जिस तरह से देखा जाए पूरे लखीमपुर खीरी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उधर देखिए किसानों की जान गई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान भी गई है, लेकिन एक वीडियो और कुछ तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ किसान जो हैं वो किसी को पीटते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बताया जा रहा है कि जो राज्य मंत्री उनका ड्राइवर था जिसे पीटते नजर आ रहे हैं। देखिए किसानों की जान गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई, पूरे देश में आक्रोश देखा जा सकता है। ये बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और माहौल अभी तनावपूर्ण है, लेकिन वहाँ बातचीत हो गई है किसानों का, और सरकार में वार्ता होने के बाद में फैसला हुआ है कि मृतकों को 45 लाख, घायलों को 10 लाख और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से वहाँ पे जांच कराई जाएगी पूरे मामले की। जी, तो अभी वहाँ पर जो है माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। जी, और सरकार के नुमाइंदे के द्वारा जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे के द्वारा ऐसी घटना की गई है। जी, जिनके हाथ में पूरे देश की व्यवस्था होती है, पूरी पुलिस फोर्स होती है। लेकिन सवित जी आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन किसी और दिशा में बढ़ता जा रहा है? नहीं, किसान आंदोलन कहीं नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, सुबह से बैठे थे और नियत्ते बैठे थे, उनके ऊपर ले जाकर दौड़ाकर अगर गाड़ी चढ़ाई जाएगी जी, तो क्या नहीं होगा, उसमें किसानों की जान गई है। किसानों नियत्ते बैठे थे और उसमें पुलिस प्रशासन, LIU, इंटेलिजेंस सबको पता था कि वो उस रोड पे बैठे हैं, तो ये लोग दूसरे रोड से भी जा सकते थे। और जिले में उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मौजूद थे, लेकिन जहाँ पर वो थे वो उस जगह से 40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे इनका जाने का कोई औचित्य नहीं था, मतलब नहीं था। इन लोगों ने जबरदस्ती जाके ये सब काम करने का काम किया है, ताकि किसानों में आक्रोश हो, आपस में दंगा हो, जवान और किसान को लड़ाया जाए और आंदोलन को कमजोर किया जाए। बिल्कुल सवित जी, लेकिन देखिए लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुखद है। किसान, चार किसानों की जान गई, बेहद दुखद है। हालांकि सरकार ने देखिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है कि 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में अब जो देश भर में आज जो तस्वीरें आ रही हैं आप भी देख रहे हैं, लखनऊ में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर थाने में पुलिस की गाड़ी आग के हवाले कर दी गई है, आपको नहीं लगता कि इस तरह से माहौल खराब हो रहा है देश का? एक बात ये है, किसान परेशान होकर, दुखी होकर और आंदोलन कर रहा है, नियत्ता होकर कर रहा है, शांतिपूर्वक कर रहा है, उसका कहीं सर फोड़ दिया जाता है, कहीं उसको कुचल दिया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये सारा तो सरकार का है। सरकार को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा में कहाँ दिक्कत है, किसको परेशानी है, हमने ये सरकार क्यों चुनी थी, इसलिए चुनी थी कि हमको रोकने का काम किया जाएगा, हमारे सर फोड़ने का काम किया जाएगा। सरकार का काम होता है कि आपको वोट देकर चुना गया है तो जो समस्या है उनको हल करने की, समस्या बढ़ाने का काम होता है। जी, ये सरकार विफल सरकार है, और ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है इनको सरकार तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है सवित जी, आप जो कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया जाए वो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जो किसान वो पीटते नजर आ रहे हैं, चैनल पर मैं और गृह राज्य मंत्री की साधना थे, उनमें हाँ करी कि वहाँ गाड़ी जा रही थी, गाड़ी बैठी है, गाड़ी जब किसानों के ऊपर चढ़ी है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमारे लोग थे और उनसे गाड़ी बैठी है। चलिए ठीक है सवित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में जिस तरह से देखा जा सकता है पूरा बवाल हुआ, उसके बाद से किसानों में तो आक्रोश है ही देश भर में, और साथ ही आम लोगों में भी आक्रोश देखा जा सकता है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक चारों तरफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।